92.7 क्या कहना चाहेंगे? या ये कहना चाहेंगे कि बहुत ही वार्म रिसेप्शन मिला और 92.7 रेगुलेशन में आए हैं और अच्छा लग रहा है आज और आपके सभी बहुत लोगों तक पहुंच पाएंगे और हमारी काशी में 26 अक्टूबर को रिलीज हो रही है उसकी उसके बारे में हम आपसे बात कर सकेंगे वो लेकर भी अच्छा लग रहा है. एंड यू मैम? पहली बार आई करेंगे अपनी मूवी के बारे में. किस तरह का कैरेक्टर है आपका? मैं जर्नलिस्ट प्ले कर रही हूँ इस फिल्म में. कैरेक्टर का नाम है देवी और काशी कैरेक्टर के साथ वो मिलकर उनकी बहन को ढूंढने में मदद करती है. और ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और सस्पेंस भी लगा और आप थोड़ा डिफरेंट लुक में लग रहे हैं ट्रेलर में देखा जाए तो. क्या है थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? जी एज ऑफ द सीट ड्रामा थ्रिलर है. बहुत लेयर्ड स्क्रिप्ट है तो इफेक्टिवली कैरेक्टर्स भी बहुत लेयर्ड है बहुत कॉम्प्लेक्स है तो कैरेक्टर निभाने में बड़ी एक्साइटमेंट करना बड़ी चैलेंज है बड़ा चैलेंजिंग लगा और एक अच्छी स्क्रिप्ट जो अच्छे से ट्रांसलेट हुई स्क्रीन पे उसको लेकर के हम सारी हमारी पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है. एंड यू मैम क्या कहना चाहेंगे ट्रेलर के बारे में? काफ़ी अप्रिशिएट किया है लोगों ने. जी बहुत खुशी हो रही है कि मेरी पहली फिल्म है और मैं एसोसिएशन में गया तो जाहिर सी बात है सबको बहुत खुशी हो रही है और बहुत उम्मीद है कि फिल्म भी लोगों को बहुत पसंद आएगी. शर्मन सर के साथ में काम करने का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका और कोई एक चीज़ शर्मन सर के बारे में जो सबसे खास लगे हो आपको वो हमें शेयर कर सकें? या साथ काम करने का मौका मुझे मिला पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राइटर से भी डायरेक्टर से भी मुझे उनके ऑपोजिट कास्ट किया और बहुत कुछ सीखने को मिला है और जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं जिस सिंसियरिटी से और जो जो नेचुरल तरीके से होता है ऐसा लगता नहीं कि वो एक्टिंग करते हैं तो वो बहुत एक अनोखी चीज़ है बहुत सीखने को मिला है. शर्मन सर आप इनके बारे में कुछ बोल सकते हैं ऐश्वर्या के बारे में खास क्या लगा है? बहुत अच्छा लगा ऐश्वर्या के साथ काम करने में. ऐश्वर्या आई थिंक एक तो आई थिंक कुछ आई डोंट नो आई थिंक मैं बोलने जा रहा था मे बी दैट नॉट अप्रोप्रिएट इन सेंस पॉसिबली अ लिटिल कम्युनल बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट द काइंड ऑफ सिंसियरिटी एंड सोल्जर लाइक अप्रोच ऐश्वर्या हैज टुवर्ड्स हर वर्क इज वंडरफुल. I guess as a co-actor, that's all you wish, that you know, you have a happy, cordial working relationship. And you give 100% to the work at hand. That's what I should ask. That's really a pleasure. FM sunna kitna pasand aur favorite RJs kon kon hai? Kuch? FM, main sara work FM sunta hoon gaadi mein. Favorite RJs ki baat kar rahe to? मुझे तो वैसे भी गाने सुनना बहुत पसंद है बट मैं आरजीस के बारे में इतनी जानकारी नहीं रखती हूँ तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकती. बट मेरे मेरे फेवरेट है माय फेवरेट इज पांडे जी जी तो रहा ओके थैंक यू सर. इसके अलावा मीटू मूवमेंट काफ़ी चला आ रहा है आप किस तरह से देखते हैं इसे और काफ़ी सेलेब्स ने ओपनली कहा भी है इस बारे में ओपनली खुल के आए हुए? There are two people involved
it's one person who are against the others. And I think it should be taken for a quarter flop. मैम आपने बताया जैसे आपकी फर्स्ट मूवी है बॉलीवुड की, कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए ये रोल किरदार निभाना? एक्चुअली मैं जर्नलिस्ट प्ले तो कर रही हूँ, बट एज अ फ्रेंड इस मूवी में इमोशनली मैं काशी कैरेक्टर से बहुत अटैच हूँ, तो उस तरीके से मुझे जर्नलिस्ट के तरीके से मुझे ज़्यादा प्रेपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. बट ऑफकोर्स ये कैरेक्टर बहुत कॉन्फिडेंट है और इस तरह से हेल्प करता है. मैं बहुत टाइट लिप्ड हूँ मेरे कैरेक्टर के बारे में, ज़्यादा बोल नहीं सकती, स्टोरी रिवील हो जाएगी. बट आई थिंक डायरेक्टर, राइटर और क्वाइटर के हेल्प से मैंने बहुत आई थिंक. इसके अलावा शर्मन सर आप वेब सीरीज भी कर रहे हैं, जितने कि कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट रख रहा है देखा, क्योंकि वेब सीरीज से कंटेंट लोगों को मिल रहा है, तो इस वजह से मूवीज भी कंटेंट बेस्ड बनने लगी है, हम ये बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ बेस वेब सीरीज. This is the year where cinema has done the best possible business. So I, each platform has its own unique presence and importance, and they are only more the merrier. So digital platform offers you definitely content which can be more unique in its nature, just because the economics and the possibilities are such. As opposed to cinema, there will be a certain limitations maybe for a certain amount of time. But in the coming times, as we are seeing, the content is going to be two spectrums, or one very non-commercial in its nature, and yet find it on its by virtue of one. So basically, I'm saying it's good times all in all. Digital platform has